सेना की हर गाड़ी की छत पर हथियार से लैस जवान। लाल झंडा दिखाकर रास्ता क्लियर करने का इशारा। काफले के साथ साथ माइंस प्रोटेक्टेड गाड़ी। काफला गुजरने के दौरान आम गाड़ियों की मूवमेंट पर रोक। पुलवामा हमले के बाद सेना के काफले के साथ वारदात की थी। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 295 किलोमीटर लंबा, जम्मू से कश्मीर घाटी जाने और घाटी से जम्मू आने का इकलौता रास्ता। इस नेशनल हाईवे के माइलस्टोन नंबर 272 के करीब 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफले पर हमला हुआ था। इस नेशनल हाईवे समेत घाटी के अलग अलग हिस्सों में लगभग हर रोज सेना और सुरक्षा बलों की सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं और इन गुजरती गाड़ियों के साथ ही चलती हैं आम लोगों की भी गाड़ियां। और ऐसी ही एक गाड़ी 14 फरवरी को पुलवामा के करीब अचानक सामने आई और सीआरपीएफ के काफले से जा टकराई थी। मगर पुलवामा हमले के बाद घाटी में सेना के काफले की हिफाजत को लेकर अब कई तब्दीलियां की गई हैं और इन्हीं तब्दीलियों का गवाह बनी वारदात की टीम। हमारे सहयोगी गौरव सावंत उत्तरी कश्मीर में सेना के ऐसे ही काफले के सफर के हम सफर बने। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जब सेना के कॉन्वॉय सड़क पर आते हैं तो अब बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। आज तक सेना के इस कॉन्वॉय के साथ है उत्तर कश्मीर के एक इलाके में, तो जब कॉन्वॉय मूव कर रहा है तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारी गाड़ियों को सड़क पर रोक दिया गया है। तो अब गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेंगी, लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि सैनिकों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ठीक मेरे पीछे यहाँ इस कॉन्वॉय को देखिए, एक माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को भी तैनात किया गया है। आज तक सेना के इस कॉन्वॉय के साथ चल रहा है आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह से सेना के कॉन्वॉयज को अब कश्मीर में ले जाया जा रहा है। हर ट्रक हर गाड़ी के ऊपर भी सैनिक तैनात हैं, सड़क के दोनों ओर भी सैनिक हैं और जब कॉन्वॉय जाएगा तो सिविल गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। अब सेना के काफले के गुजरने के दौरान रास्ते में या किसी भी मोड़ पर आम गाड़ियों के चलने पर तब तक रोक होगी जब तक कि काफला वहां से गुजर नहीं जाता। इससे लोगों को 10 से 20 मिनट तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी अब जैसे ही सेना का काफला हाईवे पर पहुंचेगा सारी गाड़ियां रोक दी जाएंगी और लोगों के पैदल चलने पर भी रोक होगी। केवल 15 से 20 मिनट के लिए जब कॉन्वॉय एक इलाके से गुजरेगा तो उस इलाके में ट्रैफिक को रोका जाएगा जैसे यहाँ रोका गया है, और जैसे ही सेना का कॉन्वॉय निकल जाएगा उसके बाद ट्रैफिक को एक बार फिर खोला जाएगा। हालांकि इसमें कुछ परेशानी जरूर हो सकती है लोगों को, लेकिन सेना, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, रसद सामग्री और सिपाही, उन सब की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसीलिए आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए अब ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आज तक वो इकलौता चैनल है जो इस समय सेना के इस कॉन्वॉय के साथ चल रहा है जो अब अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। रास्ता साफ होने के बाद सेना के इस काफले के सबसे आगे माइंस प्रोटेक्टेड गाड़ी चल रही थी ताकि किसी भी तरह के खतरे से वो निपट सके। हर गाड़ी की छत पर एक जवान हथियार लिए पूरे रास्ते पर पैनी निगाह रखे था ताकि कोई भी आम गाड़ी या शख्स काफले के बीच में या काफले के सामने अचानक आने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। जवान सीटी बजाकर और लाल झंडा दिखाकर भी आम गाड़ियों को रास्ते से हटने का इशारा दे रहे।
सेना के काफिले के मूवमेंट को लेकर जो नई तब्दीलियां हुई हैं उसके मुताबिक सेना के हर काफिले के लिए अब डायनेमिक कॉन्वॉय मूवमेंट रूल्स होगा। कोई सिविल गाड़ी उस दौरान रूट पर नहीं गुजरेगी। सिविल गाड़ियों को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। लाल झंडा दिखाने का मतलब होगा जो गाड़ी जहां है वहीं रुक जाए। लाल झंडा क्रॉस करने वाली गाड़ियों को विद्रोही माना जाएगा। कॉन्वॉय गुजरने के दौरान 15 से 20 मिनट तक ट्रैफिक थमा रहेगा। आर्मी हाईवे डोमिनेशन टीम हर कॉन्वॉय के आगे, बीच में और पीछे से सुरक्षा करेगी। कॉन्वॉय के रास्ते में आना या ओवरटेक करने की कोशिश करने वाले को भी विद्रोही माना जाएगा। दरअसल अब तक सेना के काफिले के साथ ही आम गाड़ियां भी गुजरा करती थी। हालांकि इसे लेकर पहले भी कई बार बात हुई कि सुरक्षा कारणों से सेना के काफिले के बीच में आम लोगों की गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, मगर दिक्कत सबसे ज्यादा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर थी। यहां ट्रैफिक ज्यादा है और काफिले के लिए आम यातायात रोकना मुश्किल, लिहाजा एक विचार ये भी आया कि सेना के काफिले का मूवमेंट रात के लिए ही सीमित कर दिया जाए, जो कि रात को अमूमन हाईवे पर ट्रैफिक बेहद कम होता है। लेकिन रात के सफर को लेकर कुछ दिक्कतें भी थी, इसीलिए इस पर अमल नहीं हो पाया।